खेती किसानी का भला कंप्यूटर से क्या संबंध हो सकता है? ये एक विडंबना ही है कि जहां इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया का सिरमौर बना हुआ है, वहीं खेती के क्षेत्र में आज भी इसकी पहचान आत्महत्याओं और गरीबी से हो रही है। लेकिन क्या अच्छा हो अगर इसी आईटी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किसानों के जीवन में भी सफलता और समृद्धि के उम्मीद की किरण जगाई जा सके। कर्नाटक की इन मंडियों में इसी फॉर्मूले को अपनाकर एक सफलता की इबारत लिखी जा रही है। किसान किसी एक मंडी या बाजार में जाए और उस मंडी या बाजार के जरिए देश भर की मंडियों बाजारों से जुड़ जाए, ये परिकल्पना है। जिसे राष्ट्रीय कृषि बाजार के नाम से भारत सरकार लागू करना चाहती है और इस परिकल्पना का आधार बनी है कर्नाटक राज्य की एकीकृत बाजार प्रणाली। ये बाजार प्रणाली कैसे काम कर रही है, इसका फायदा कैसे किसानों को मिल रहा है, ये समझने के लिए हम पहुंचे हैं कर्नाटक के हुबली शहर की इस मंडी में। ₹434 एकड़ में फैली ये मंडी भले ही हुबली में है, लेकिन इस मंडी में अपना माल बेच रहा किसान दरअसल कर्नाटक राज्य की 75 मंडियों में अपना माल सीधे बेच रहा होता है। ये सब कुछ हो पा रहा है कर्नाटक की एकीकृत बाजार प्रणाली से। इसी की वजह से कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए 75 मंडियां एकाकार हो गई हैं और किसानों के फायदे हजार हो गए हैं। कर्नाटक सरकार ने NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड के साथ बराबर की साझेदारी में फरवरी 2014 को ये एकीकृत बाजार प्लेटफॉर्म शुरू किया था। ये प्रयोग इस कदर सफल हुआ कि भारत सरकार इस प्रयोग की सफलता को पूरे देश में दोहराना चाहती है। The government of India is very keen and they have floated this national agriculture market concept over there very strongly. They are moving in that direction. 9th and 10th of July, the government of India led a delegation of 26 states ministers and the respected senior officers to study the Karnataka model. So technology per se is available. Our honorable chief minister has said that the platform is available dedicated to the entire country. इस नई आधुनिक बाजार व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि यहाँ पूरी कोशिश किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना है, मतलब किसानों को बेहतर भाव मिले, किसानों को बेहतर खरीदार मिले। भाव तय करने की प्रणाली पारदर्शी हो और इन सब के लिए राष्ट्रीय ई मार्केट्स सर्विसेज लिमिटेड ने कई तरह के कार्यक्रम बनाए हैं। किसानों के सशक्तिकरण के लिए मोबाइल को एक शक्तिशाली माध्यम बनाया गया है। जब उनका माल गेट एंट्री होता है उसको एक SMS मिलता है, ये खातरी होता है कि भाई इसने इतना माल फार्मर मंडी में लाया है। दूसरा चीज SMS जाएगा जब फार्मर का भाव पता चलेगा, जो मतलब 9 बजे से 3 बजे तक जो बिडिंग का टाइम है, उस बिडिंग का टाइम पे हर जगह से ट्रेडर जो उसको बिड कर रहा है उनका जो बेहतर दी हाईएस्ट प्राइस का भाव का माहिती फार्मर को जाता है और 30 मिनट टाइम दिया जाता है उसको। तो 30 मिनट में फार्मर डिसाइड कर सकता है, निर्णय कर सकता है कि वो उत्पन्न भेजना है कि नहीं भेजना है। जब वो उत्पन्न को नहीं भेजना है, वो सिर्फ हमको बोलना है कि भाई इस प्राइस में हम नहीं भेजेंगे, तो हम उस लॉट को रजिस्ट करने का बहुत सारा फैसिलिटीज है। उसी हिसाब से फार्मर अग्री करता है कि मेरे को ये दाम ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस पोस्ट ऑक्शन प्रोसेस, वी विल गो टू पोस्ट ऑक्शन प्रोसेस। पोस्ट ऑक्शन प्रोसेस में एक ही चीज है, वेमेंट। जब फार्मर रहेगा उसका सामने वेमेंट होगा और जो वेमेंट का डिटेल्स हम उस सिस्टम में एंटर कर रहा है तो फार्मर को एक SMS मिलता है कि भाई तुम्हारा दाम इतना में गया और तुम्हारा वेट इतना था, दाम इनटू वेट तुम्हारा इतना पैसा आना है, इतना कटाव है तुम्हारा, जो भी मार्केट का चार्जेस है कटाव है और तुमको इतना पैसा मिलना है, वो भी फार्मर को एक SMS के रूप में जाता है। जाहिर है आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है तो किसानों को इसके लिए तैयार भी करना होगा।
इसलिए किसानों के प्रशिक्षण और उनकी जागरूकता पर यहाँ खास ध्यान दिया जा रहा है। विशेष तौर पर उन्हें उपज की साफ सफाई के तरीके और बोली लगाने की छोटी छोटी बातें भी बताई जाती हैं। आधुनिक तकनीक की वजह से और आधुनिक तकनीक के अच्छे से किसानों की समझ में आने से आई पारदर्शिता ने किसानों का जीवन काफी बेहतर कर दिया है। अब उन्हें इस बात की आशंका लगभग ना के बराबर रहती है कि उनकी उपज की मात्रा या भाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी, बल्कि अब उन्हें उनके अधिकारों के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा सूचना मिल रही है। फार्मर को हम अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं कि एसएमएस देखने का कैसा देखने का, वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। उसी हिसाब से फार्मर को हम पहला एक चीटी में हाथ में लिख के देना है, वो चीटी था तो आजकल फार्मर्स प्रिंटेड कंप्यूटराइज्ड बिल पूछ रहा है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड बिल में ऑथेंटिकेटेड सोर्स से माहिती मिल रहा है उनको, उतना कितना दाम मिलना है। हम फार्मर को दो चीज़ें हम उसको सिखा रहे हैं। पहला, उनका उत्पन्न को कैसा सही तरह मार्केट को लाना है, मार्केट रेडी मतलब उसको स्वच्छ कैसा करना है, उसको ग्रेडिंग क्लीनिंग कैसा करना है और कैसा सुखाना है और मार्केट में लाने तो इतना उत्पन्न को अच्छा दाम मिलने का, तो ये एक चीज़ का अवेयरनेस है। दूसरा चीज, मार्केट में उनका हक क्या है, मतलब एसएमएस मिलेगा तुमको, मार्केट का भाव ठीक नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, और इसी हिसाब से आप कंप्यूटराइज बिल भी पूछना है। तो ये हिसाब दो हिसाब से, मतलब फार्मर का पात्र क्या है वो एक चीज का अवेयरनेस है, दूसरा उनका हक क्या है मार्केट में, ये दो तरह का इंफॉर्मेशन हम मार्केट को कर रहे हैं। एकीकृत मार्केट प्लेटफॉर्म के कर्नाटक मॉडल के फायदे भी दिखने लगे हैं। किसानों को मंडी में अपनी फसल के लिए मिलने वाले भाव में पारदर्शिता कई मोर्चों पर आई है। ऑनलाइन लगने वाली बोली से तो ये सुनिश्चित हो ही जाता है कि किसान को उसकी उपज के लिए सबसे बेहतर भाव मिले, लेकिन स्थानीय स्तर पर कमीशन एजेंट के बेस रेट तय करने में जो गड़बड़ी होती थी वो भी खत्म हुई है। क्या नमेंगे लाभ सके सर, याकंतंद्रे और चीटी ओग बर्त को चीटी ओग बर्त दलाल एजेंटो और नम्बर 500 बर्त को काट हो नम्बर रैत 300 रूपये बर्त को अदर 200 रूपये लाभ सकती नमेंगे ही आनलन आगे संबंधे नम्बू मोबाइल SMS बर्तव नमु नंबर कोई नमु यार तक ऐन तक हर गए आनलन मुखातर फार्मर्स को तो एक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लिए रेट मैनिपुलेशन नहीं होता है इसमें, किधर भी डाल के रेट देख सकते हैं, किधर भी बैठ के रेट देख सकते हैं, यही प्लस पॉइंट है फार्मर्स के लिए, किधर भी रेट मैनिपुलेशन नहीं होता है। इसमें क्या है, किसको भी ये नहीं होता है, ये फार्म डाले तो कौन तो ज़्यादा कम करने का नहीं आता, वो मैनुअल करे तो ये प्रिंट होता नहीं, किसको भी कुछ भी नहीं करने का होता, ज़्यादा कम फर्क नहीं करने के लिए होता। कर्नाटक की एकीकृत बाजार प्रणाली से किसान प्रशिक्षित हो रहे हैं, व्यवस्था पारदर्शी हो रही है, लेकिन इस व्यवस्था के फायदे बस यहीं आकर रुक नहीं जाते। इसलिए अगले एपिसोड में हम इस कहानी के और बड़े फायदों के बारे में आपको बताएंगे। एकीकृत बाजार प्रणाली के अनूठे प्रयोगों को दिखाती हमारी ये कहानी अगले एपिसोड में भी जारी रहेगी। mandi.com के लिए कर्नाटक की हुबली मंडी से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।